बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, किवें तुसी सारे? अल्लाह पाक सारे हमेशा खुश रखे। अज पहले रोजा है और पहली सहरी है, और मैं अपनी पहली सहरी की रूटीन तुहानू शेयर करन लगी हां। तुसी भी सारे रोजा रखने की तैयारी कर रहे हो गए। साढ़े को इस वक्त तकरीबन 2:45 का टाइम है, और मैं और जुनेद दोनों ने रोजा रखना, उन्होंने पापा ने ड्यूटी ते, और तकरीबन साढ़े सारे रोजे इंज ही गुजरते हैं, क्योंकि मियाँ साहब की तकरीबन नाइट ही ड्यूटी आती हैगी है, और शौक न नाइट ड्यूटी करते हैं। तो बस मैं तो जुनेद अपने आस्ते, मैं जुनेद का एक पराठा बनाना होंगे, एक अपने आस्ते बनाना होंदा वे। तो होर ताडे सारयां दी किस तरह की रूटीन हैगी तुसी भी कमेंट में जरूर दसना। अलहमदुल्ला साढ़े को बहुत प्यारा मौसम हो चुकया वे, बिजली कड़कती पई है, चमक रही है, बादल गरजते पे ने, ठंडी हवा चलती पई है, तुम दरवाजे खड़कन की आवाज आ रही होगी, कोई हिलांदा नहीं पिया। अल्लाह ताला दी रहमत है, मौसम बहुत ज्यादा प्यारा ठंडा ठंडा हो गया है। इंशाल्लाह रोजा साडा ठंडा ठंडा ही गुजरेगा। तो अज मैं तुहानू अपने नाल नाल रखांगी, जो जो मैं काम करांगी तुसी भी मेरे नाल 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 रहना। इंशाल्लाह बड़ा साडा अच्छा रोजा गुजरेगा, क्योंकि है ही रहमत और बरकतां वाला महीना वे। जुनेद उठ जाओ, इहदा जुनेद है ना उठण तों बहुत ज्यादा तंग करदा। मैं पराठे बना के फिर हुण जावांगी उठाउण वास्ते, दो दफा मैं पहले उठा चुकी हां, लेकिन बच्चे जरा मुश्किल ही उठदे हुंदे ने, असं भी बचपन ही चाहिए तंग करके उठते होवे। बिल्कुल लास्ट लास्ट उठेगा, जो देखेगा तुम विसल होने का टाइम हो रहा वे, फिर मेरी आवाज जरा गुस्से वाली होंगी, कड़कती हुई, फिर उन्होंने समझ आ जाती है कि अब टाइम नहीं, अब उठ जाना चाहिए। नाल बस पराठे बनन गए। मैं तो शहरी के अंडा लाजमी खानी हैगी हाँ, जुनेद जरा अंडा पसंद ही नहीं करता है, तो फिर जुनेद न की पसंद है, यह भी मैं तुहानू शेयर करनी हाँ। चलो अलहमदुलिल्लाह पराठे बन चुके ने, नाल हुण मैं अपने आस्ते बनाउण लगी हाँ। अंडा नाल रात का सालन जिहड़ा वे ओह इस्तेमाल होएगा, यह मेरी आदत हैगी है, मेरी सहरी की यही रूटीन हैगी है कि जाके अद्धे रोजे मेरे तकरीबन इंज गुजरते होंगे ने, फिर रात क्रीम चाट डेली तकरीबन साढ़े घर माशाला बनती है, जुनेद की फेवरेट है। तो पूरे रोजे तुहानू अफतारी वक्त तुहानू मेरी वो भी रूटीन का पता चल जाएगा, वह साड़ी पूरे महीने की रूटीन होंगी है। रात का जिहड़ा सालन हुंदा, फिर वो जिहड़ी क्रीम चाट बची हुंदी है ना, उहनू मैं नाल इस्तेमाल करदे होया नाश्ता करनी हाँ, बड़ा ही मैनूं मजा आउंदा हैगा वे। फिर पंडा नहीं बनानी आ, आयल गर्म हो चुकिया वे, हर एक घर की अपनी अपनी रूटीन होंगी है, कोई सालन पसंद करता है, कोई चाय, कोई अंडे नाल, इस तरह ही रोजे रखने का मजा आता है वे, अपनी रूटीन के नाल ही मजा आता वे, और अपनी फैमिली के नाल बहुत ज्यादा मजा आता है वे। लेकिन हमेशा हर रमजान मेरे मियाँ साहब कर रहे होंगे ने ड्यूटी, थोड़ा महसूस होंगे, कहनी भी हाँ कि तुम सुबह की ड्यूटी कर लिया करो, सहरी अफतारी घर हो, लेकिन अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अफतारी घर हो जाती हैगी है। तो इस दफा तो माशाल्लाह जुनेद कह रहा है कि मैंने इतकाफ पे बैठना है, अल्लाह पाक होर बच्चों भी हिम्मत दे, पहले भी यह बैठा सी दो साल, फिर मेरी वजह तो नहीं बैठ सकिया, मैं उदास हो जाती है। तो कहता मामा जी इस दफा आपने कोई उदास दूस नहीं होना, ना मुझे कोई ऐसा मूड दिखाना कि मेरा दिल खफा हो जाए, इनशाला मेरी भी इस दफा कोशिश हैगी है कि बैठे, तो इनशाला असं ये रवोंगे। जुनेद चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पीता है, यदि शुरू तो आदत हैगी है, सहरी होकर ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करता वे, रोजे होन जा ना होन इनू वैसे भी ठंडिया चीज़ा ही अच्छी लगदियां ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद उठ जाओ, टाइम ज्यादा हो गया है, मैं तो सारिया चीज़ा बस अंदर जाके रखनिया होंदिया ने, फिर इन उठाना होंदा वे, इनू इस तरह के ही फ्लेवर पसंद है, भी जामे शीरी भी नाल हो, आखिरी बोतल च थोड़ा जहा पानी पा के हंगालिया, जाया नहीं ना करना चाहिए चीज़ को, नवी बोतल कल शुरू करांगे, देखो थोड़ा जहा पानी पा के हिला दिता, चीज़ बिल्कुल जाया ना करया करो, अल्लाह नाराज हुंदा है। अपने आस्ते मैं चाय रख दी, आंच हल्की करके अंदर चली जावांगी, मैं पराठा खानी है बड़ा स्लो, तो जुनेद माशाल्लाह जल्दी खा लैंदा वे। चलो जी अभी कम हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास मैं भी पीना ना, जुनेद ने तो माशाल्लाह दिल होया तो ये पराठा खाएगा, मूड का बंदा वे, पता नहीं चलता उन किस टाइम कि चीज़ की जरूरत पै जाए, लेकिन मामा पता होंगे ना अपने बच्चों की आदत का। चलो आ जाओ हम असं जुनेद उठाने, जुनेद उठ जाओ,
देखो मैंने सारा कुछ रख दिया है। यह जुनेद का कमरा है वे ना, तो इतने असी सैरी इफ्तारी करा करांगे इंशाल्लाह। यह देखो मैं सारा कुछ रख दिता है, सिर्फ हुण जुनेद का इंतजार है उठ जाए। लेकिन मैं खाना शुरू करन लगी हाँ, इन्ने आराम नाल उठना है तो मैं जरा स्लो स्लो काम करना हुंदा वे फिर, क्योंकि मेरे रूट कनाल होया होया दंदा इतनी तेज़ तेज़ ना, देखो रोटी खाधी नहीं जाती हैगी। चलो फिर अल्लाह का नाम लैके शुरू करने सीर सैरी अपनी पहली नेक दुआवां दे नाल। हल्की अग ते मैं चाय रख के गई, चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है, पराठा भी अलहमदुल्ला मैं खा लिता वे, ते जुनेद भी उठ चुकिया वे। चलो अंदर चाय लैके अंदर ही चलते हैं। हाँ जी जुनेद साहब भी उठ चुके हैं, नाश्ता करते पे ने। देखो मैं तो अपना पराठा खा लिता वे, जुनेद बस नाश्ता कर रहा, नाश्ता ही मुँह चो निकलता पै सैरी करता पाया वे। तो तुहानू रूटीन सारी मैं अपनी दिखाई हैगी है, तुसी कमेंट जरूर दसना तुहानू फिर सारी सैरी की रूटीन किहो जी लगी हैगी है। अजे चलता पाया है सिलसिला, देखो एंड करने हैं फिर। अलहमदुलिल्लाह सैरी साड़ी हो चुकी है, बर्तन तुम देख रहे हो गए, यह हूँ जो किचन च इन्ने ज़्यादा बर्तन है ना, हूँ मैं सारे पहले धो के वह आनी हैगी हाँ, फिर इजी होकर नमाज पढ़ांगी। असी माँ बेटे ने जरा मिल्क शेक पीता से थोड़ा जहाँ बिचों बच गया है वे, तो एक अभी कुल्फी बना लें, जाया नहीं ना चीज़ में करना चाहिए है। साढ़े घर कोई होर मैंबर है नहीं कि जरा दिहाड़ी इस्तेमाल कर लेगा, तो मैं सोचा कि उन्होंने दो कुल्फिया बना देव, जो जुनेद तरावी पढ़ के आएगा ना आप ठंडी ठंडी खा लेगा, बस चीज़ में जाया ना करया करो। देखो तुम मैं चीज़ा नाल सेव करन दा भी तरीका दसदी रहनी हाँ, आराम नाल उन्हें दही भी नहीं अज खाधा है, बस शेक दे नाल ही उन्हें सैरी कर लीती हैगी, इन मैं रख दिनी हाँ फ्रीजर ही, तो कल आराम नाल खा लेगा। खाधा पीता तो आप ही हजम हो जाने, बर्तन देख सकते हो यह साढ़े दो जनिया के इन्ने ज़्यादा बर्तन ने, तो सही कि स्टेटस लोग भैन बेटियां लादियाँ रहनियां ने कि असं बर्तन ही धोते रहने हैं, तो मेरी भी बेटी माशाल्लाह बर्तन धो दे नहीं होंगी सी, उन्होंने माशाल्लाह अपने घर वाली है, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, तमाम बेटियां अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। तो मैं हम जरा बर्तन धो लवा, बड़े ज़्यादा ने सच्ची दिल नहीं करता पे, पर धोने तो है ना, इस टाइम एनर्जी ज़्यादा है तो सारा दिन दिल नहीं करना। अलहमदुलिल्लाह बर्तन धुप चुके ने, बड़ा सुकून जहा हो गया वे, चने भी मैं रख दिते ने, मतलब भ्योए हुए सारा रात में, मैं इस टाइम साइड से कर दिता है वे, हूँ जो तुम अफतारी की अपनी रूटीन दिखावगी ना, वो फिर सारा कुछ है काम करा। अच्छा अलहमदुलिल्लाह मेरे इस टाइम सैरी के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तो जुनेद पढ़ता पे इस टाइम कुराने पाक, हूँ मैं जावगी वजू करने, मोबाइल जुनेद के हवाले कर दाँगी। तुम मेरी रोज़ाना जी कुकिंग की वीडियो वगैरह देखते हो, जिस तरह के भी लोग वगैरह, मैं तो सिर्फ काम करके जुनेद के हवाले मोबाइल कर दिनी हाँ। माशाल्लाह मेरा बड़ा गोल गिफ्टिड बच्चा है, मैं बड़ा हैरान होनी हाँ, खुश भी होनी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करनी हाँ। लोग इन्ने इन्ने पैसे दे के एडिटिंग वगैरह सीखते हैं, असल चाहे निका जहा ही ना, तेन बड़ा शौक हों कंप्यूटर का, तो बस शुरू चुकी खेल रही कंप्यूटर है, लैपटॉप लैपटॉप तेन मैं इस बर्थडे तो गिफ्ट किया वे, तुम मैं एक पूरी व्लॉग बना के दिखाना सी, लेकिन अफसोस उदो मैं लौट सा, फिर दिन गुजर गया, मैं छोड़ो नहीं मजा आता है। एन मैं 2 महीने पहले ही गिफ्ट दे दिता सी, उसकी वजह से कि यूनिवर्सिटी जरूरत पे गई सी, कहता सी कि मामा जी मुझे अभी चाहिए, जबकि मैं उन्हें देना बर्थडे ते सी, ते काफ़ी महंगा ने मेरे को गिफ्ट लिता है वे, 1.5 लाख ने मेरे को लवा दिता है, लेकिन मुश्किल नाल ही दी गई सी चीज़ लैके, लेकिन बच्चे का शौक से पूरा करता। इस तो पिछली जी बर्थडे से ना यदी वो तेन मैं ऑफिस चेयर लैके दी सी, वह एक टायर ही उतर चुकया है वे, तो इन्हें इस कमरे दूसरे कमरे च रखा हुआ वे, कह रहा है पापा जी जब लगाएंगे, क्योंकि इन्हें शीट विछवाई सी थोड़ी देर पहले, तो कह रहा है कि फिर इसके साथ व्हील के साथ ना वो एक व्हील नहीं है तो ये ख़राब हो जाएगी, हूँ बस विसल होने ही वाला वे, रोज़ा बंद होने वाला वे, तो बस मैं चलनी हाँ वजू कर नमाज पढ़ने, अल्लाह सोने का शुक्र अदा करने के हैरो आफिया ने साड़ी पहली सैरी हो गई। अल्लाह का बड़ा करम हों कि जो असं दोबारा रमज़ान च दाखिल हो जाने, कई साढ़े प्यारे जोड़े पिछले साल साढ़े नाल सन, इस दफ़ा नहीं ने, तो पता नहीं होंगे मेहमान आते हैं और किस किस्मत वाले मैं कहनी रमज़ान का महीना देखते हैं। ऐसी दुआ ना तो सारे को इजाजत चाहवागी, अल्लाह सोना तुम सारे मदीने की जियारत करावे, मैनू भी करावे, मैनू और मेरे मियाँ और मेरे बेटे सानू सब न जान का शौक है, इस जगह पर हर एक जान का शौक होंगे, इस वास्ते मैं दुआ कहती रहनी है कि आमीन हो जाए किसी की, तो असी भी नाल कहते ना काफले दे लगे चलीए, तो चलो लगे चलो फिर नमाज पढ़न सारे, अल्लाह हाफिज़।